बज रहे हैं शाम के 3:30 और मैं थोड़ा सा रेस्ट की हूँ। रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई हूँ और वापस से किचन में आऊँगी, क्योंकि आज है हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज की ये जो पूजा है ना, सबके लिए, ये पूरे विश्व के लिए है। ये समझ लीजिए, मैं जो भी आज ये पूजा करूँगी ना, उससे उसमें भगवान से प्रेयर करूँगी कि भगवान, जो ये कोरोना महामारी आई हुई है सारी दुनिया पर, पूरे विश्व पर, ये सब जल्द से जल्द ख़त्म हो और सब कुछ नॉर्मल हो। बस इसी कामना के साथ मैं पूजा करने बैठूंगी। आज अपने बाबा का जन्मदिन मनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मैं बाबा का भोग बनाऊंगी घर पे ही, क्योंकि बाहर से कोरोना में कोई नहीं जाएगा, कोई किसी को मैं भेजूंगी नहीं, क्योंकि बाहर जाना रिस्क है। इसलिए घर पे ही मैं थोड़े से बस लड्डू बना रही हूँ बेसन के। यहाँ पर मेरी कढ़ाई जो है वो चढ़ चुकी है बेसन के लड्डू बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी। इसमें मैंने बेसन डाला है और आधी कटोरी सूजी डाली है। तो ऐसे बनेगा जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी में खाते हैं ना, प्रसाद लाल लाल होता है और वो बिल्कुल ही रवा जैसा बनता है। तो यहाँ पर शेया को हमें सूखा ही खाना है वैसे ही निकाल के, क्योंकि इनका बहुत दिन से बेसन का हलवा खाने का भी मन था और मैं नहीं बना पाई थी, तो मैं इसी में कर दूँगी थोड़ा सा भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद, वरना मेरे को जीने नहीं मिलेगा। अब मामी के बनाए बिस्किट खा रही है, कभी मामी के बनाए खाएगी, कभी मम्मी के बनाए खाएगी, कभी बुआ के बनाए भी मिल जाए तो वो भी खा लेगी, बस खाती रहती है सबके बनाए। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से भून चुका है, ब्राउन हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसको छोड़ देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग, एक कटोरी बूरा डालूंगी, इसमें कुछ छोटे बादाम हैं वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर कटे हुए बादाम और बूरा डाल के मैं मिला दे रही हूँ। अब ठंडा हो चुका है, हल्का ही गर्म है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पर मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया है, ये देखिए हमारा प्रसाद बन चुका है। तो यहाँ पर प्रसाद बनाने के बाद मैं डेकोरेशन में लग गई हूँ, थोड़ा सा चौकी सजा के। थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है, क्योंकि भाई हमारे बालाजी का बर्थडे है तो डेकोरेशन तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सारा डेकोरेशन का सामान, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और अब मैं ऑरेंज, देखिए एक बैलून में फुला चुकी हूँ और अब मैं दूसरा फुलाने वाली हूँ। देखिए नीचे गिर गया, खा लेती हूँ मैं। अपने बर्थडे पे तो हम सब तैयारी करते हैं, तो मैं अपने भगवान जी के बर्थडे पे मैं कैसे भूलूं, जो दुनिया के पालनहार हैं उनका बर्थडे भी तो मनाना चाहिए हमें। मेरे पास एक लड़ी और इससे ही आज मैं अपने बालाजी का जो ये पालना है ना वो सजाऊंगी। इसलिए इस तरह से देखिए फोन कर लिया मैंने, बाहर अब फ्लावर लेने जाना ठीक नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने पालने को डेकोरेट कर दिया है, एक लड़ी जो थी मेरे पास उससे ही ये सब हमारा जुगाड़ू काम हो रहा है, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा सकती फ्लावर लेने भी, इसलिए बस जो घर पे है उसी से काम चल जाएगा। और भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं, भगवान और कुछ भी दिखावा नहीं मांगते, सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो जो मेरे मन में भगवान के प्रति ये भाव है ना, ये प्यार है, बस मैं वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये बर्थडे का मिल गया, मैं ढूंढ ढूंढ के सब कुछ ढूंढ रही हूँ, जो मिल जा रहा है बस उससे ही काम चला लूँगी, इसको भी मैं चिपका दूँगी। बर्थडे भी लग गया है, बर्थडे का स्टिकर भी लग चुका है। तो यहाँ पर देखिए सारे बैलून भी मैंने लगा दिए हैं। तो देखिए मैंने अष्टदल बना लिया है, देख सकते हैं आप लोग।
मेरे बालाजी महाराज बैठ चुके हैं पालने में, यहाँ पर है श्री रामचंद्र जी भी हैं। तो आइए आप लोग भी इस पूजा में शामिल हो जाइए कोरोना महामारी से बचने के लिए और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कलश पर स्वास्तिक बना ले रही हूँ। पीला वाला सिंबल चलता है। सबसे पहले हम जो हम तिलक करेंगे वो गणपति गणेश जी को करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पूजा में गणपति जी का ही आवाहन करते हैं। और अब हम बालाजी को और श्री रामचंद्र जी को भी लगाएंगे। और यहाँ पर अब मैं भोग भी रख दूँगी। ये देखिए आप लोग, भोग भी रख दिया मैंने। इधर लड्डू है, इधर चूरमा है और ये केले का भोग है। बस ये सुंदरकांड का पाठ भी रख ली हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे पढ़ना है अभी। और भगवान जी की पूजा शुरू करूँगी। तिलक करने के बाद मैं बालाजी को वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। और अब साथ के साथ मैं यहाँ पर फल भी अर्पित कर रही हूँ। अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी वार करके भगवान जी को रख रही हूँ। और बस अब पूजा स्टार्ट हो जाएगी हमारी। दीप भी प्रज्वलित हो चुका है। वर्ण और अवर मन जैसे जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव ओहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमत के सर। जय श्री बालाजी महाराज, जय अनोखी हरी झाकी, जय श्री बालाजी राज अनोखी हरी झाकी। पूजा भी हो गई है और भगवान का भोग भी लग गया है। देखिए जोत चल रही है। ये जो पूजा थी ये मैंने जैसे पहले ही बता दिया था, ये पूरे विश्व के लिए है, आप सबके लिए है, मेरे स्वीट स्वीट सब्सक्राइबर के लिए है। बालाजी आप सबकी रक्षा करें, आप सबके परिवार की रक्षा करें। बालाजी की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। आज का ये हनुमान जी का जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो बहुत बहुत आप सबको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।